नमस्कार, लताज किचन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम ठेकुआ बनाएंगे। ठेकुआ बनाने के लिए मैंने गेहूँ लिए हैं, उसे अच्छी तरीके से धोकर मैंने पिसवा लिए हैं। आटा को मैंने हल्का सा दानेदार रखा है। अब हम एक कटोरी आटा लेंगे, उसमें किशमिश और नारियल छोटा छोटा मैंने काट लिए हैं, उसे डालकर अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अब हम इसमें घी डालेंगे और उसे भी अच्छी तरीके से मिला लेंगे। आटा में मैंने 50 ग्राम के लगभग घी डाला है। घी डालकर उसे अच्छी तरीके से मिला लिया है। अब हम चीनी को डाल देंगे, उसे भी अच्छी तरीके से मिला लेंगे। मैंने चीनी 100 ग्राम के लगभग डाला है और उसे मिला लिया है। अब हम उसे दो भागों में बांट लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर उसे आटा को मिलाएंगे। आप एक बार में ज़्यादा पानी ना डालें, नहीं तो आपका आटा गीला हो सकता है। ठेकुआ का आटा बिल्कुल टाइट लगाएं। अब हम आटे की छोटी छोटी लोई बनाएंगे और इस पर सांचा की जगह इसे हम यूज करेंगे। मेरे पास ठेकुआ बनाने का सांचा नहीं है, इसलिए हम उसकी जगह इसे यूज कर रहे हैं। मैंने लोई से ठेकुआ तैयार कर लिया है। अब हम कढ़ाई चढ़ा देंगे। मेरी कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब इसमें हम घी डाल देते हैं। जब घी गर्म हो जाए तो आप उसमें एक एक करके ठेकुआ उठा करके डाल दें। जब एक तरफ से ठेकुआ सिक जाए तो उसे पलट दें। जब तक मेरा ठेकुआ सिक रहा है तब तक हम लोई बनाकर उसे दबा कर रख लेते हैं। इस बार हम सूप पर दबा रहे हैं। लोई को बना बना कर आप देख सकते हैं। आप सूप पर भी दबा सकते हैं यदि साँचा ना हो तो। अब आप फिर इसे पलट दें ठेकुआ को, कि कहीं एक तरफ से ज़्यादा लग ना जाए। अब आप देख सकते हैं कि ठेकुआ बिल्कुल तैयार हो चुका है सेक के। अब इसे आप एक एक करके निकाल लें। अब आपने जो ठेकुआ दबा कर रखे थे आप उसे फिर एक एक करके डाल दें। जब आपका ठेकुआ एक तरफ से सिक जाए तो उसे पलट दें। अब आप देख सकते हैं कि ठेकुआ पूरी तरीके से मेरा बनके तैयार है और बिल्कुल नरम बना है ठेकुआ।
ठेकुआ की रेसिपी यदि पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।